हेलो दोस्तों, आज हम सीखें समय और दूरी। दोस्तों समय और दूरी आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे बोर्ड और टीचर्स एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। दोस्तों देखिए, राजू अपने घर से साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी? अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कठिन पड़ते हैं, तो कैसे सोल्व किया जाए देखिए। दोस्तों राजू का घर यानी कि होम, ये उसका होम है और यहाँ उसका ऑफिस है, यहाँ उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है। अब यहाँ से यहाँ तक वो जाता है तो देखिए, वो 10 किलोमीटर की चाल से चले, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चले तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट पहले। यदि अगर वो जा एक ही डायरेक्शन में रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है, दूसरी बात वो है कि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब जा रहा दोनों एक ही डायरेक्शन हो रहा है, उसका एक ही डायरेक्शन में जाना हो रहा है, इसलिए चाल इसकी घटेगी। अगर एक तरफ जाता है एक तरफ आता है तो चाल जुड़ती है, ये दोनों ध्यान रखना। तो कुछ नहीं करना, कुल अगर दूरी निकालना है तो कुछ नहीं करना, ए बी टी अपान ए माइनस बी। तो ए बी क्या होगी, ये पहली चाल और दूसरी चाल, ठीक है। तो पहली चाल मतलब क्या होगा, देखिए पहली चाल इसकी 10 इंटू 8 हो गया, और यहाँ 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2 बचे, ठीक है ना, 10 में से 8 घटा दिए, 2 बचे। अब टी, टी मतलब समय, तो समय क्या होगा दोस्तों, देखिए 4 मिनट पहले पहुँचता है, 5 मिनट देरी से, यानी 4 और 5 इसको जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और ये मिनट है, इसको घंटे बनाने के लिए 60 का भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घंटे हो जाएंगे। इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 से काटा 2 चौक 8, और 4 से काटा तो 15 चौक 60, और 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटा तो 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर, इसकी दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए मोहन 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से अपने घर से स्कूल जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर घंटे चाल से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से स्कूल तक की दूरी बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, घर यानी कि होम, यह होम से चलता है स्कूल, तो घर से स्कूल जाता है वो, जा एक ही डायरेक्शन में रहा है तो 4 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले। अगर वही चाल उसकी हो, उसी डायरेक्शन में जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो 10 मिनट देरी से, 10 मिनट वो देरी से पहुंचता है। तो यहाँ से घर से स्कूल तक की दूरी निकालना है तो वही फार्मूला होगा अपना, दूरी इज इक्वल टू ए बी टी अपान ए माइनस बी। तो पहली चाल क्या है, इसकी 4 है, दूसरी है इसकी 3, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और दूरी 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, तो कुल समय कितना हो गया, 20 मिनट हो गया, बटा 60। सिपर कट गई, 2 से काटा 2 तिया 6, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर किस ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, ये अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।